आज का ये वीडियो डेडिकेट होने वाला है लोकल स्टोरेज पर। अब लोकल स्टोरेज के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। लोकल स्टोरेज आपके ब्राउज़र में डेटा को एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए स्टोर करने में यूज़ होता है। कुकीज़ से किस तरह से डिफरेंट है ये भी बताऊंगा आप लोगों को, और इसके कुछ अमेजिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स को आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है लोकल स्टोरेज, क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ होती है और कभी भी मुझे अपना डेटा स्टोर करना होता है तो मैं लोकल स्टोरेज में ही करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई एक मान लो मैसेज स्टोर करना है और मुझे मान लो कोई भी ऐसी चीज़ स्टोर करनी है जो कि मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र में बनी रहे, मैं लोकल स्टोरेज में सेव करता हूँ। क्या है लोकल स्टोरेज, इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। नोट्स मैंने बना रखे हैं। लोकल स्टोरेज इज़ अ वेब स्टोरेज ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सेंड टू सर्वर विद ईच रिक्वेस्ट। आपने अगर कुकी सेट कर दिया तो ब्राउज़र आपकी कुकी को सेंड करेगा हर रिक्वेस्ट के साथ। आप नहीं चाहते कि यार कभी कभी हर रिक्वेस्ट के साथ सेंड हो। जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि आप किसी भी क्लाइंट का यानी कि किसी भी ब्राउज़र पर जो भी इंसान आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है उसका एक नोट आपको मान लो सेव करना है ब्राउज़र में, आप लोग चाहोगे कर दो, कुकी में नहीं करना चाहोगे। यार क्यों नहीं करना चाहोगे कुकी में? इसलिए नहीं करना चाहोगे क्योंकि वो हर रिक्वेस्ट के साथ भेजा जाएगा, आप नहीं चाहते सर्वर पे जाए वो बार बार, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग यूज़ करना चाहोगे लोकल स्टोरेज का। दिस डेटा सर्वाइव्स अ फुल पेज रिफ्रेश एंड इवन अ फुल ब्राउज़र रीस्टार्ट। अगर आपने कोई चीज़ लोकल स्टोरेज में सेव कर दी तो चाहे आप अपने ब्राउज़र को रीस्टार्ट कर लो, चाहे आप अपने पेज को रिफ्रेश कर लो, आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला, लोकल स्टोरेज में सेफ रहेगा। आप लोगों को दिखाता हूँ यार बड़ी सिंपल सी चीज़। जब आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन में जाते हो और इसके बाद यहाँ लोकल स्टोरेज में जाते हो तो आपको आपके लोकल स्टोरेज का डेटा देखने को मिलता है। ये एक डेटाबेस की तरह है, की वैल्यू पेयर्स हैं और की और वैल्यू यहाँ पर स्ट्रिंग होती हैं, ठीक है? अब मैं आप लोग को एक कोड लिखकर दिखाऊंगा, लोकल स्टोरेज डॉट और मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट आइटम और इसके बाद मैं लिखूंगा नेम और इसके बाद लिखूंगा हैरी, ठीक है? एंटर मार दिया मैंने, ये कमांड चलाया। अब ये कमांड क्या है कैसे ये भी देखेंगे थोड़ी देर में, सारी कमांड्स बताऊंगा लोकल स्टोरेज की। एक बहुत ही बेसिक सी कमांड चलाई है जो कि बता रही है खुद की ये क्या करती है। ये सेट कर रही है नेम को, जो नेम की है मेरी, और वैल्यू जो है हैरी, ये सेट कर रही है। अब अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊँ तो आप देखो यहाँ पर नेम हैरी सेट हो चुका है। मैं नेम पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ देखने को मिलेगी। मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। बेसिकली ये स्टोर हो चुकी है। क्या मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा अगर तो मुझे मिलेगी नेम हैरी? द आंसर इज़ येस, मिलेगी। अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा, इसको बंद कर दूँगा यूआरएल को और दोबारा से इस यूआरएल को नई टैब में खोल लूँगा, तब क्या ये मुझे देखने को मिलेगी? द आंसर इज़ येस, ये मुझे देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नेम हैरी, ठीक है? तो ये आपका ब्राउज़र रीस्टार्ट जो है उसको भी सर्वाइव करती है, आप अगर पेज को रीलोड करते हो उसको तो सर्वाइव करती है यार, हमने देखा भी। और अगर आप लोग लिंक को कॉपी करके नई टैब में खोल लेते हो तो उसको भी ये सर्वाइव करती है, ठीक है? दीज आर द मेथड्स प्रोवाइडेड बाई लोकल स्टोरेज। सेट आइटम अभी हमने देखा। अगर मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट की इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रॉम्प्ट और लिखूँ एंटर की यू वॉन्ट टू सेट, ठीक है? और अब मान लो मैं चाहता हूँ कि वैल्यू भी यूज़र दे मुझे, एंटर वैल्यू यू वॉन्ट टू सेट, ठीक है? एंड की यू वॉन्ट सेट, एंड द वैल्यू यू वॉन्ट सेट, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और की वैल्यू, ठीक है? कुछ इस तरह से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की वैल्यू, जो की होगी वो सेट हो जाएगी टू वैल्यू, ठीक है? तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज और मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट और गेट आइटम और की, ठीक है? जो भी आपने की एंटर करी है। और मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मैं यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है उसको मैं लिखता हूँ दी वैल्यू एट, और मैं यहाँ पर बैक टिक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों, देखते जाना आप। मैं यहाँ पर बैक टिक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ जावास्क्रिप्ट होती है वहाँ वहाँ आप क्या करते हो, वहाँ वहाँ आप लोग एक बार मैं इसको कंट्रोल एक्स करके पहले यहाँ पर डॉलर लगा लेता हूँ और फिर कुछ इस तरह से डाल देता हूँ इसको अंदर यहाँ पर, ठीक है? तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ये टेम्पलेट लिटरल का सिंटैक्स है, बड़ा बेसिक सा, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अभी मुझसे पता है एंटर की यू वांट टू सेट, मान लो मैं यहाँ पर सिटी लिखता हूँ
और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिल्ली, और यहाँ पर देखो सिटी दिल्ली आ गया। और कंसोल खोलकर दिखाऊँ द वैल्यू एट सिटी इज़ दिल्ली। मान लो मैं इसको दोबारा से रिलोड करूँ और मान लो मैं की लिखता हूँ कलर और लिखता हूँ रेड, देखो वैल्यू एट कलर इज़ रेड। एट दिस पॉइंट अगर मैं आप लोग को अपनी लोकल स्टोरेज दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें इसमें परसिस्ट करती हैं। परसिस्ट करती हैं का क्या मतलब है? परसिस्ट का मतलब कि रहती हैं, डिलीट नहीं हुई, चाहे आप पेज को रीलोड कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर रही। सेट आइटम क्या करता है? सेट कर देता है, ये हमने देख लिया। गेट आइटम क्या करता है? गेट आइटम आप लोग को उस की पर क्या वैल्यू है ये बताता है। तो दो मेथड्स हमने देखे, सेट आइटम और गेट आइटम। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम जो भी की दोगे उसकी वैल्यू आपको दे देगा, गेट द वैल्यू बाई की। रिमूव आइटम क्या करेगा? रिमूव कर देगा उस आइटम को। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बड़ा सिली सा इफ स्टेटमेंट। सिली सा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ऐसा कभी आप प्रैक्टिकली शायद करना ना चाहो, बट अभी आप लोगों को सिखाने के लिहाज से बता रहा हूँ। इफ की इज लेस देन या फिर इज इक्वल टू मान लो रेड, या फिर मैं लिखूँगा और, यहाँ पर लिखूँगा और की is equal to blue, यानी कि अगर आपने red या blue नाम की दे दी तब क्या करो? local storage dot remove item। ठीक है, हमें नहीं चाहिए यार ऐसी की। ठीक है, तो क्या होगा? लेकिन मैं इस कंसोल को ना ऊपर डाल दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, देखो होगा क्या, यहाँ पर आपसे पहले की और वैल्यू पूछी जाएगी। इस प्रोग्राम को समझो क्या होगा, आपसे की और वैल्यू पूछी जाएगी, उसके बाद आपकी लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस की वैल्यू पेयर को, इसके बाद आप लोग को कंसोल डॉट लॉग करवाया जा रहा है द वैल्यू एट की इज दिस। ठीक है, और ये तो होगा, लेकिन ये लोकल स्टोरेज से रिमूव हो जाएगी अगर रेड या ब्लू है तो। यानी कि अगर आपने की को रेड लिखा या ब्लू लिखा तो ये लोकल स्टोरेज से रिमूव हो जाएगी, कभी सेट नहीं होगी इस प्रोग्राम के थ्रू एटलीस्ट। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल किसी की को सेट कर लेते हैं, ए को बी करके देखते हैं, हो जाएगी। यहाँ पर देखो ए बी आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेड कर दूँ और यहाँ पर फेव कॉल कर दूँ तो यहाँ पर देखो आया था एक बार के लिए, अगर आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देखो तो आया था एक फ्लैश ऑफ, या इसका फ्लैश आया एक और उसके बाद चला गया है। ठीक है, और कंसोल में तो ये आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने कंसोल ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या होता है, रिमूव आइटम से आइटम्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब क्लियर करोगे तो एकदम पूरी लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर की आपकी ज़ीरो होगी, मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, इफ़ की इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तब आप क्या करो? मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा क्योंकि मेरी ज़ीरो स्ट्रिंग होगी। मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और क्लियर एक मेथड होता है तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो आप देखो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम में जो मन चाहे लिखता रहूँगा। बी को मान लो मैं 7 कर देता हूँ। ठीक है, और द वैल्यू एट बी 7 कर दिया। अब मान लो मैं इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप इसको रिलोड करो, मान लो मैं बी को इस बार 10 करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं 10 करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट आइटम करके अपडेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अपडेट नहीं कर सकते। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं। अब देखो जैसे ही मैं की को ज़ीरो करूँगा, मान लो मैं की को ज़ीरो करता हूँ, वैल्यू को भी ज़ीरो करता हूँ, आप देखना मेरी लोकल स्टोरेज क्लियर हो गई। क्यों हुई क्लियर? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर की ज़ीरो हो तो लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाए। ये जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया था, ऐसा आप शायद किसी नॉर्मल प्रोग्राम में ना करें। ठीक है, मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कैसे चलता है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम कैसे काम करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और गेट आइटम तो हमने देखा ही यार। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये की क्या है, गेट द की ऑन अ गिवन पोजिशन, ये क्या चीज़ है। अब क्या होता है कि जो आपकी इंडेक्स है उस पर कौन सी की है ये बताता है। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ और इसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ के बारे में भी आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ स्टोर्ड आइटम्स इन लोकल स्टोरेज। जैसे कि इस केस में अभी हमारा जो लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ है, अगर मैं लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ की बात करूँ, और यहाँ पर फंक्शन की तरह आपको इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी है, तो आप डॉट लेंथ करोगे तो ज़ीरो आएगा। लेकिन जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, मान लो मैं ए को बी सेट करता हूँ और मान लो मैं 56 को सेट करता हूँ एज एच। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ रन करूँ तो 2 आ जाएगा। अब मान लो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा से नेम हैरी डालता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट की और इसके बाद मैं यहाँ पर इंडेक्स डालता हूँ मान लो 0, तो ये मुझे 56 दे रहा है। फिर इसके बाद मैं डालता हूँ इसमें की 1, तो ये मुझे 6 दे रहा है। फिर मैं की 2 डालता हूँ तो ये मुझे नल दे रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर
दो आइटम्स हैं मेरे लोकल स्टोरेज में, नहीं नल भी है यार लोकल स्टोरेज में, नल को डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली चार आइटम है, तो मैं ये मेरी चलती रहेगी ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर टू करूँगा अभी तो नेम आ गया, थ्री करूँगा तो ए आ गया, फोर करूँगा अगर तो यहाँ पर नल आ गया ठीक है। अब नल आना शुरू हो जाएगा क्योंकि सिर्फ चार कीज़ हैं, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर टोटल क्योंकि मेरी चार कीज़ हैं, एक दो तीन चार, तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए कैसे ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि लोकल स्टोरेज हमने देख लिया क्या होता है, आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी जो है सेट और गेट कर सकते हो, ये हम लोग देखेंगे। ये आप लोग जान लो कि लोकल स्टोरेज डॉट वन इज इक्वल टू वन अगर मैंने कर दिया तो लोकल स्टोरेज डॉट वन में वन सेट हो जाएगा ठीक है, और ऑब्जेक्ट की तरह हम इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स आप लोग शायद ही यूज़ करें बट काम करता है ये सिंटैक्स भी ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कीज़ एंड वैल्यूज़ दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए लोकल स्टोरेज में ठीक है। आप ऐसा नहीं कि अगर आप नंबर भी डालते हो ना, अगर आप नंबर डालते हो तो प्रॉम्प्ट आपको ऑलरेडी उसको स्ट्रिंग बना देगा ठीक है, लेकिन जब ये स्टोर होती है तो ये की वैल्यू पेयर जो है स्ट्रिंग होता है। वी कैन यूज़ अ टू जेसन मेथड्स टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स इन लोकल स्टोरेज। अगर आपको ऑब्जेक्ट स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में, आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो की कन्वर्ट करता है जेसन स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करता है जेसन स्ट्रिंग्स में, और जेसन डॉट पार्स जो कि एक वैलिड स्ट्रिंग जो कि एक वैलिड जेसन है उसको कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ठीक है। ये एक वैलिड जेसन होनी चाहिए, डबल कोट्स होने चाहिए इसमें, सारे जेसन वाले रूल्स फॉलो करे तभी ये पार्स होगी, वरना पार्सिंग एरर आ जाएगा ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले वीडियो में सेशन स्टोरेज के बारे में देखेंगे और फिर इसके बाद इस चैप्टर को रैप अप भी करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, अगर प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस आपने नहीं करी तो उसको ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।